हे गाइस, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट सीलोम। तो सीलोम आखिर है क्या? अपन सीलोम किसको बोलते हैं? अगर सिंपल इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो सीलोम इज अ बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल और द एलिमेंटरी कैनाल। एक ऐसी कैविटी जो प्रेजेंट है आपके बॉडी वॉल के बीच में और आपके गट वॉल के बीच में, उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो दिस सीलोम एक्ट्स एज अ शॉक अब्सॉर्बर एंड इट प्रोटेक्ट्स द विजरल ऑर्गन्स। इसके अलावा सीलोम क्या करता बोले तो उन्हें अपने विजरल ऑर्गन्स को एक्सपैंड होने में स्पेस देता। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द विजरल ऑर्गन्स, राइट? आखिर अपन सीलोम के बारे में पढ़ रहे क्यों? तो सीलोम के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीलोम वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स। तो पहले अपन बात करेंगे सीलोमेट्स के बारे में। नाउ सीलोमेट आर द ऑर्गेनिजम्स जिसमें अपन को ट्रू सीलोम दिखता। नाउ व्हाट इज दिस ट्रू सीलोम? ट्रू सीलोम अपन किसको बोलते हैं? द सीलोम लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम। अगर आप ये इमेज को गौर से देखते हैं, आपको यहाँ पर एक्टोडर्म भी दिखेगा, एंडोडर्म भी दिखेगा, मेसोडर्म भी दिखता, बट मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन सच अ वे दैट इट इज द लाइनिंग द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है? मेसोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट, द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन सच अ वे दैट द मेसोडर्म इज लाइनिंग ऑन इट्स आउटर साइड, ऑल्सो ऑन इट्स इनर साइड। Such type of coelom is called as true coelom and organisms possessing true coelom are called as coelomate organisms or eucoelomate organisms. अब NCERT के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल क्या है जी? तो इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होता फाइलम एनालिडा से, फाइलम कॉर्डेटा तक, जितने भी फाइलम है बीच में NCERT में, वो सब फाइलम पोजेस करते ट्रू सीलोम। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। नाउ सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स में अपन को सूडोसीलोम दिखता। नाउ व्हाट इज दिस सूडोसीलोम? सूडो मतलब फॉल्स, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। तो अपन को इन ऑर्गेनिजम्स में फॉल्स बॉडी कैविटी दिखती। नाउ व्हाट इज दिस फॉल्स बॉडी कैविटी? बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। अगर आप इमेज को कॉन्सेंट्रेट करके देखें, गौर करके देखें, तो यहाँ पर आपको दिखता कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, बट मेसोडर्म इज नॉट लाइनिंग द बॉडी कैविटी। इन फैक्ट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, वो कंटिन्यूस लाइनिंग भी नहीं है मेसोडर्म की, स्कैटर्ड पाउचेस में वो प्रेजेंट है। Such type of coelom is called as pseudocoelom and the organisms possessing pseudocoelom are called as pseudocoelomate organisms. इसका example है phylum Aschelminthes. जो भी organism phylum Aschelminthes में आते हैं possess pseudocoelom. Now next we are going to talk about acoelomate organisms. So acoelomate organisms में अपन को coelom दिखता ही नहीं। There is no coelom present. There is no body cavity present. Such organisms are called as acoelomate. इसका example है phylum Platyhelminthes. सो दैट वॉज ऑल अबाउट सीलोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अभी एज यूजल हर वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं फ्यू क्वेश्चन ऑन द टॉपिक वी डिस्कस्ड। तो आज सीलोम के बारे में अपन थोड़े क्वेश्चन देखेंगे जो बन सकते हैं, जो नीट में आ सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म एन। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म मतलब इन्हें बात कर रहा ट्रू सीलोम के बारे में। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है Aschelminthes, सेकेंड है फाइलम एनेलिडा, थर्ड है Platyhelminthes एंड फोर्थ है टीनोफोरा। तो इन चारों ऑप्शंस में से फाइलम एनेलिडा इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूडोसीलोम इज प्रेजेंट इन। सूडोसीलोम किसमें प्रेजेंट है? इसका एग्जांपल, सॉरी, इसके ऑप्शंस है अर्थवर्म, टेपवर्म, राउंडवर्म, मैमल्स। नाउ सूडोसीलोम का एग्जांपल क्या है? फाइलम Aschelminthes। इसमें फाइलम Aschelminthes से कौन सा ऑर्गेनिज्म है? राउंडवर्म्स। तो इसका आंसर है राउंडवर्म। Now next question is Platyhelminthes are characterized by। Platyhelminthes के बारे में पूछ रहा हूं। तो first option है acoelomate nature, that is absolutely right, Platyhelminthes are acoelomate organisms। Now next is radial symmetry, Platyhelminthes में अपन को radial symmetry नहीं दिखती, instead अपन को bilateral symmetry दिखती। Now next is segmentation, Platyhelminthes में segmentation नहीं दिखता। Next option D is diploblastic nature, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है Platyhelminthes, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन, बाय बाय।